भाइयों आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। भाइयों आज मैं चर्चा करूँगा संबंधों के ऊपर कि हम अपने संबंध कैसे बचा सकते हैं। वो हमारे रिलेटिव हैं या हमारे फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, भाइयों हम अपने संबंध कैसे बचा सकते हैं। भाइयों ऐसा होता है, हमारे संबंध कब तक लोगों से बने रहते हैं वो भली भांति भाइयों आप भी जानते हो, मैं फिर भी एक बार चर्चा करना चाहूँगा इस विषय पर आपसे। भाइयों हमारे संबंध लोगों से तब तक बने रहते हैं जब हम किसी के साथ अच्छे विचारों से, अच्छे काम के साथ बात करते हैं, या वो मुझसे हमसे बात करते हैं, हम दोनों के मन मिलते हैं। कब तक? जब तक हम उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, वो अच्छे बात करते हैं, काम अच्छे करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे संबंध मेरे भाइयों बने रहते हैं। भाइयों संबंध कब ख़राब होते हैं? अगर नेगेटिव एक आदमी हमारी तरफ कोई बात नहीं मानता है, या कुछ मतलब बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे कि एक आदमी को दूसरे आदमी से गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ पे गुस्सा तो आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन भाइयों वो गुस्से में ऐसे शब्द बोल देता है कि जो दूसरे आदमी को जो लगते हैं वो जिंदगी भर उन शब्दों को याद रखता है, और उन उस बात की वजह से, छोटी सी बात की वजह से इतना बड़ा इशू हो जाता है कि जो हमारी पूरी लाइफ है वो क्रैश हो जाती है, वो एकदम से ऐसी दरार पड़ जाती है, जो रस्सी में गांठ लग जाती है उस टाइप से एक ऐसी गांठ लग जाती है कि जिंदगी भर तक हम फिर वो संबंध जो हमारे पहले थे वो नहीं रहते। तो मेरे भाइयों अगर लाइफ टाइम का हमें संबंध किसी के साथ बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल में करना होगा। अगर कोई आदमी कुछ ऐसी बातें करता है जो हमें नहीं अच्छी लग रही हैं या उसे नहीं अच्छी लग रही हैं हमारी बातें, तो मेरे भाइयों बस हमें क्या करना है, जो वो समय है वो समय, उस समय को छोड़ करके थोड़े टाइम के लिए हम थोड़े दूर हो जाएंगे तो मेरे भाइयों हो सकता है कि हमारे संबंध बच जाएं। हो सकता है नहीं मेरे भाइयों, 100% जो हमारे संबंध हैं वो ऐसे रहेंगे कि जो लाइफ टाइम जो संबंध ख़राब होने वाले थे हम उनसे बचे रहेंगे और हमारे संबंध बचे रहेंगे। तो मेरे भाइयों बस आज के लिए इतना ही, और मेरी जो सब्सक्राइब है भाइयों उसे आप सब्सक्राइब कर दें लाल बटन को, मैं आपके लिए ऐसी ही वैसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, मेरे भाइयों मुझे लाइक भी करें। धन्यवाद।